हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रवीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PD एक्सप्लोरर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप बात करने वाले हैं आप अपनी बाइक का टैपेट एडजस्ट या टैपेट क्लियरेंस को कैसे सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे बाइक में दोनों टैपेट होते हैं, तो उनमें टैपेट का गैप दिया रहता है, ये दोनों जगह में होता है। और मैं आपको दिखा दूँ, जो कार्बोरेटर की साइड में होता है वो इनटेक वाला होता है, और जो साइलेंसर की तरफ रहता है वो एग्जॉस्ट वाला होता है। तो इन दोनों जगह को टैपेट एडजस्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पैनल, सीट और टैंक को निकाल लेना होगा, ताकि पूरा काम करने में इजी हो। तो ये देखिए, यहाँ पे होता है टैपेट के कवर्स, ये एग्जॉस्ट वाला और ये इनटेक वाला। इनटेक वाला कार्बोरेटर के साइड में रहता है, ये देखिए यहाँ पे कार्बोरेटर, और एग्जॉस्ट वाला ऊपर में रहता है एग्जॉस्ट पाइप के। तो इन दोनों को खोल लेंगे, 24 नंबर के पाने से ये खुल जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों, ये देखिए, ये किसी ने यहाँ पे जुगाड़ करके रखा है, बॉन्ड लगा के रखा है। तो मैंने जब उसको दिया था, यानी मैकेनिक को, तब उसने लगाया होगा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो ये है इसका नया कवर, इसका पार्ट नंबर आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ये वहाँ पे फिट हो जाएगा, 24 नंबर का है। और ये मैंने शोरूम से लेके आया, तो दोनों टैपेट को खोल लेंगे, 24 नंबर के रिंग पाने से ये खुल जाएगा। तो मैंने इसको खोल लिया है, ये देखिए, ये पूरा टूट गया था और इसको बॉन्ड लगा के चिपकाया हुआ था। इसका हालत देख सकते हैं, इसका ओरिंग भी कट गया है, और यहाँ पे ऑयल लीकेज भी हो रहा था, ये देख सकती है, पूरा भिगा दिया है इधर में। तो ऐसा जुगाड़बाजी ना करे दोस्तों, प्रॉपर काम करे। तो ये कैप लगा दूंगा मैं, तो इसको भी खोल लेता हूँ, और ये BS4 का लाइन भी खोल लेना होगा, ताकि क्लीन क्लियरेंस सेट करने में इजी हो। तो इन दोनों को मैंने खोल लिया है, और अगर आप चाहते हैं तो प्लग भी खोल सकते हैं, ताकि कंप्रेशन स्ट्रोक में ज़्यादा प्रेशर ना बने। और ये करने से पहले आपको पिस्टन टॉप पे कर लेना होगा। हमारा गाड़ी का इंजन का जो पिस्टन है वो दो बार टॉप में आता है, एक बार एग्जॉस्ट स्ट्रोक में और एक बार कंप्रेशन स्ट्रोक में। हम लोगों को कंप्रेशन स्ट्रोक में ला के रखना है, तभी इसका ये जो क्लियरेंस है ये पता चलेगा। तो टैपेट सेट करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ लगेगा, ये टैपेट एडजस्ट करने वाला स्क्रू और ये फिलर गेज। मैं फिलर गेज का यूजेज बाद में दिखा देता हूँ टैपेट एडजस्ट कैसे करना है फिलर गेज की मदद से। तो ये फिलर गेज है स्टैनले का। अगर आप टैपेट एडजस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कंपनी का लें, कोई भी नॉर्मल फिलर गेज मत लें। तो यहाँ पे होता है टैपेट का क्लियरेंस, तो साइड में दिखाए गए तरीके से टैपेट एडजस्ट करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे क्लियरेंस दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं मैग्नेट को खोल लूँगा। मैग्नेट खोलने के लिए 8.5 नंबर के बोल्ट खोल के आप रिंग पाना लगा के खोल सकते हैं। और दूसरा है गियर में डाल के टॉप करना होगा पिस्टन। तो मैं गियर में डालने वाला प्रोसेस यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे टॉप होगा कि नहीं हो रहा है। तो गियर को पहले सबसे पहले टॉप में कर ले, तो मतलब आपकी गाड़ी में अगर 5 गियर है तो 5 नंबर वाला गियर, अगर 4 है तो 4 में, मतलब टॉप गियर में कर ले। फिर हल्का हल्का से पीछे वाला पहिया को घुमाइए आगे की तरफ, क्योंकि हमारा जो पहिया है वो आगे की तरफ ही घूमता है चलने के टाइम। तो आगे की तरफ घुमाइए, मैग्नेट भी आगे की तरफ घूमेगा, तो पिस्टन एग्जॉस्ट स्ट्रोक में सिंपली से आ जाएगा, मतलब इजी से आ जाएगा। मगर कंप्रेशन स्ट्रोक में आने के बाद भी थोड़ा आगे चला जाता है टॉप, तो उस जगह पर ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले एक छोटा सा एरो आएगा, फिर टॉप आएगा, तो धीरे धीरे करके पहिया घुमाएं। ज़्यादा ज़ोर से घुमाइएगा तो कंप्रेशन स्ट्रोक में चला जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे एरो आ गया। अभी यहाँ पे हल्का हल्का करके टॉप में लाना है। ये फायरिंग का आ गया, तो ये पीछे रह गया। ये दिखा दूँ, ये टी का निशान एकदम मिड पॉइंट पे होना चाहिए इस जगह में। ये टॉप में आ गया है, ये पूरा कंप्लीट टॉप में आ गया है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम जो है इसका टैपेट एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए टैपेट की तरफ दिखते हैं। हाथ लगा के आपको चेक करना है कि टैपेट का एडजस्ट ढीला हुआ है या नहीं। पिस्टन टॉप में आ गया है, और यहाँ पे हाथ लगा के चेक करना है। तो यहाँ पे फील करना पड़ता है कि एडजस्ट है या नहीं। अगर इंटेक वाला थोड़ा सा साइड प्ले है तो ठीक है, ऊपर नीचे प्ले नहीं होना चाहिए।
और एग्जॉस्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे प्ले होना चाहिए, बस इसी से हो जाएगा। और मैं कैपेट का एडजस्ट सिखा देता हूँ अभी। तो सबसे पहले 9 नंबर का रिंग पाना और ये एडजस्ट करने वाला स्क्रू और फिलर गेज तीनों को ले लेना चाहिए। फिर यहाँ पे इंटेक में फिलर गेज का साइज होगा 0.04 mm और एग्जॉस्ट में 0.06 mm। तो पहले इंटेक से शुरू करते हैं। तो इंटेक में लगेगा 0.04 mm और एग्जॉस्ट में 0.06 mm, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप चेक कर लेना। तो मैं ये दिखा देता हूँ, 0.04 mm और 0.06 mm, ठीक है। ये मैं कंपनी का नहीं बताया है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहते हैं तो कंपनी वाला भी सेट कर सकते हैं, पर मेरा अकॉर्डिंग, मतलब मैं जैसे ड्राइव करता हूँ कभी कभी रश ड्राइव या कभी स्मूथ सिटी में, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये परफेक्ट है। तो मैं सेट कर लूँगा इसको। तो ये सबसे पहले मैं इंटेक वाला में करूँगा। तो इंटेक वाला में आपको ये पाइप पहले हटा लेंगे और नीचे में जहाँ पे एडजस्ट करने का स्क्रू है उसके नीचे थोड़ा सा क्लियरेंस रहता है, वहाँ पे आपको इसे डालना है। मैं दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ, मैं इधर से दिखा देता हूँ प्रॉपर से। तो ये जो जगह है, ये एडजस्ट करने का नीचे स्क्रू है, इसके नीचे बल्ब के ख़त्म होने के बाद और नट के नीचे एक जगह है क्लियरेंस का। तो 9 नंबर के रिंग पाने से मैं पहले लॉक नट को ढीला कर लूँगा, ये अंदर घुस गया है फिलर गेज, तो मैं 9 नंबर के पाने से इसको ढीला कर लेता हूँ पहले। इसको जब आप टैपेट का सेट कर रहे हैं तब थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा सा धीरे धीरे करके करिए, अगर आप जल्दबाजी में कर रहे हैं तो टैपेट का एडजस्ट प्रॉपर से नहीं होगा। और फिलर गेज मैंने तो पहले आपको बता ही दिया दोस्तों, फिलर गेज कंपनी का ही लेना है, जो मतलब चलता है ऐसे ही, किसी सिंपल फिलर गेज से काम नहीं होगा, क्योंकि उसमें थिकनेस गलत दिया रहता है, गलत भी हो सकता है कभी कभी, किसी भी कंपनी में सही भी दे देता है। तो मैं पहले लॉक नट को ढीला कर लेता हूँ और यहाँ पर फिलर गेज को डालूँगा। तो फिलर गेज जा नहीं रहा, नीचे चला जा रहा है वाल्व में, तो इसको प्रॉपर से बिठाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे करके बिठाइए। ये देखिए अंदर घुस गया है। तो अब आपको चेक करना है कि ये साइड प्ले कितना है, मतलब आगे पीछे मूव हो रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे प्ले नहीं होना चाहिए। तो मैंने 0.04 mm का थिकनेस वाला प्लेट लगा दिया है नीचे और अभी हम नट से एडजस्ट करेंगे इसको। तो पहले 9 नंबर के रिंग पाना लगा दें और यहाँ पे ये नट सेट करने का लगा दें ये वाला। तो इससे धीरे धीरे करके फिलर गेज का टैपेट सेट हो जाएगा। थोड़ा घुमा रहा हूँ मैं हाफ चूड़ी और आप देखेंगे कि ये गैप कितना कमा या बड़ा है। तो मैं लॉक नट को थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ। लॉक नट को टाइट करने के बाद ही आपको टैपेट चेक करना है, अगर ढीला रहेगा तो ऊपर वाला नट भी घूम सकता है, तो आप टैपेट का क्लियरेंस कभी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसको सेट कर दिया है, अभी हम चेक करेंगे पिलर गेज को आगे पीछे करके मूव करके। तो ये मैंने पिलर गेज डाल दिया था पहले से ही, अभी हम इसमें इसको डालेंगे, आगे पीछे बढ़ाएंगे, तो ये प्रॉपर एडजस्ट हो गया है। ये देखिए, ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए और ऊपर मतलब अप डाउन प्ले नहीं होना चाहिए, साइड प्ले होगा तो चलेगा, थोड़ा सा साइड प्ले होना चाहिए। और ये देखिए फिलर गेज इजी से आसानी से निकल रहा है। तो इसका टैपेट का क्लियरेंस प्रॉपर हो गया। तो अब हम एग्जॉस्ट वाला करेंगे। एग्जॉस्ट वाला करने के लिए भी आपको वैसे ही डालना होगा। तो मैं 0.06 mm का पत्ती डाल दूँगा यहाँ पे। पेशेंस रख के करना है दोस्तों, जल्दबाजी में कुछ भी काम बढ़िया नहीं होता। तो मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये बैठ गया है और ये इजी से मतलब आ जा रहा है। तो इसका टैपेट का क्लियरेंस थोड़ा ढीला है, तो मैं इसको टाइट करूँगा। 9 नंबर के रिंग पाने से फिर इसको खोल लेना होगा लॉक नट को, और इसका ये जो है स्क्रू का ओपनर इससे थोड़ा सा टाइट कर देंगे। 0.06 mm रखना है दोस्तों आपको एग्जॉस्ट का, और
0.04 mm रखना है आपको इनलेट का। ये मैंने खाली 180 का बताया, 220 का 0.07 mm होता है खाली एग्जॉस्ट का, इनटेक का सेम रहता है 4 mm, 0.04 mm। तो अगर आप चाहते हैं अपने बाइक का टेपेज एडजस्ट करना कैसे करना है तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपका कौन सा गाड़ी है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियरेंस बता दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस इतना ही। तो मैंने इसको टाइट कर दिया है थोड़ा सा, अभी हम इसको देखेंगे। ये देखिए ये प्रॉपर से आ जा रहा है। मेरा गाड़ी का वैसे तो टैपेट क्लियरेंस ठीक ही था, मैंने आपको खाली दिखाने के लिए और आपको सिखाने के लिए, आपको कुछ नॉलेज मिलेगा इसके लिए मैंने इसको किया है। तो मैं अब ब्लॉक नट को टाइट कर दूंगा। तो ये देखिए ये प्रॉपर से आ जा रहा है, तो ये ठीक है। तो अब हम पिलर गेज को निकाल लेंगे बाबा। और ये देखिए थोड़ा सा ऊपर का प्ले है, बाकी साइड प्ले तो करने से कुछ नहीं होता एग्जॉस्ट में, क्योंकि एग्जॉस्ट वाला जो वाल्व होता है बहुत बड़ा होता है और इंटेक वाला थोड़ा सा छोटा होता है उसे। और अगर आपको ये फिलर गेज चाहिए तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। और इसका नट जो खोलने वाला मैंने चेक करने वाला दिया था वो भी मैं दे दूँगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ नट कौन सा वाला, ये वाला। तो मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और प्लग पाने का भी दे दूँगा। और चलिए इस कैप को फिट करके प्रॉपर कंप्लीट आपको दिखाते हैं। ये दोनों का कैप लगा देना, 24 नंबर वाला, ये दोनों। तो ये मैंने लगा दिया है और जो जहाँ से पाइप खोले थे या वायर खोले थे स्पार्क प्लग वाला उसको कंप्लीट लगा देना असेंबल करके। तो मैं इसको लगा देता हूँ प्रॉपर से, फिर चाबी ऑन करके आपको स्टार्ट करके दिखाऊँगा। ये देखिए 1000 RPM पे है ये, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कुछ भी जानना हो या कुछ चीज़ के बारे में पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे PD एक्सप्लोरर फैमिली को ज्वाइन करो यार, क्या कर रहे हो। PD एक्सप्लोरर फैमिली को ज्वाइन करो, वीडियो देखो, एंजॉय करो। तो ये कंप्लीट हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना उसके साथ भी, और वीडियो को लाइक कर देना।